कहानी में ट्विस्ट है ये, इस एसी पर ही कहानी है। हुआ कुछ यूं कल जनाब कि मैं ये वीडियो बनाने पर हुई मजबूर। ऊपर से लगा के बता दे। अब देखिए इसका डैश, देखिए कितना ज़्यादा एकदम बंद है जाली, हाँ, तो इसको जल्दी धो के जल्दी। देते हैं फटाफट। चलो तो ये जाली का हाल देखें, बिल्कुल बंद है। को दिखाती हूँ पहले ऑन करके, यानी आवाज़ में ही फ़र्क आया है और ठंडक भी थोड़ी फील होता हो रहा है कि बढ़ गई है, तो इसलिए ऑन करती हूँ। तो बिल्कुल डन डना डन, एसी कूल कर रहा है बहुत इजी। तो ये है जी कूलर, और इसका नेट जो है ना, मैं महीने में एक दो बार साफ़ कर लेती हूँ। दरअसल हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं लेकिन इनकी केयर नहीं लेते हैं, तो ये गड़बड़ वाली बात है। मतलब हम लोग बिंदास हो जाते हैं, और कूलर में मुझे थोड़ा टफ लगता है। वेलकम फ्रेंड्स, आज का वीडियो ना बहुत ही यूज़फुल है और समर स्पेशल है, क्योंकि समर स्पेशल में ना हम लोग जानते हैं कि चलें सर्च करें और यूट्यूब में वीडियो भरे पड़े हैं, डेजर्ट है, आइसक्रीम है, कुल्फ़ी है, वगैरह वगैरह। तो मुझे लगा आज क्यों ना मैं समर स्पेशल में ना कूलर और एसी से रिलेटेड, ख़ास करके आज एसी से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ जो किसी न किसी के काम आए। तो आज के वीडियो में ना मैं आपको बताऊँगी एसी को कैसे खोला जाता है, उसकी जो फ़िल्टर की सफ़ाई कैसे की जाती है, आगे एक एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये है जी कूलर, और इसका नेट जो है ना, मैं महीने में एक दो बार साफ़ कर लेती हूँ। दरअसल हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं लेकिन इनकी केयर नहीं लेते हैं, तो ये गड़बड़ वाली बात है। मतलब हम लोग बिंदास हो जाते हैं, और कूलर में मुझे थोड़ा टफ लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है, मैं लेज़ी हो जाती हूँ ना, इसके टैंक को फुल करना यानी पानी भरना, हालांकि वो भी पाइप से होता है, लेकिन यही हाल मेरे ख्याल से सबका होगा। तो जिस तरह कहते हैं ना, मछली बिन पानी नहीं रह सकती, तो वही हाल है जनाब अभी हमारे यहाँ गर्मियों का। यानी चले एसी ना भी हो तो कम से कम कूलर हो, इसके बिना ज़िंदगी जो है ना अभी गुजारना मुश्किल है, टफ है। और माशाल्लाह ये वोल्टास का रिमोट वाला कूलर इतने ही ठंडा हॉल को करता है ना कि आपको रात में चादर, पतली चादर की ज़रूरत होती है। तो कहानी में ट्विस्ट है ये, इस एसी पर ही कहानी है। हुआ कुछ यूं कल जनाब कि मैं ये वीडियो बनाने पर हुई मजबूर, और मेरे ख्याल से आप भी आंखें खोल लेंगे और आज ही अपने कूलर और एसी के जो है केयर लेंगे। तो चलिए देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पूरे घर का कनेक्शन है इसी बोर्ड से है, और लाइट्स वगैरह, एसी वगैरह जो भी हम लोग चलाते हैं ना, तो उसका पूरा लोड इसी पर होता है। तो ये जनाब ना कल बिगड़ गए थे, यानी ख़राब हो गया था, तो उन्होंने देखा और बताया कि इसका एक जो है ना, ये MCB देखें जल गया था, यहाँ देखें एकदम ब्लैक है, जल गया था, स्मेल आ रही थी। फ़ौरन इलेक्ट्रिशियन को हमने बुलाया और उन्होंने यहाँ ये देखें एक्सचेंज कर दिया है, नया MCB लगा दिया है। तो पता नहीं गर्मी की वजह से, गर्मी बहुत ज़्यादा, ये हीट हो गया था इसलिए जल गया, या फिर एसी का ज़्यादा लोड बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो इसीलिए आज एसी की क्लीनिंग की बात होगी, ताकि आपका जो है, फिलहाल इसे बंद कर देती हूँ, बहुत इजी बंद। यहाँ जो नॉब एसी से खुलता भी है, बंद भी होता है। तो मैं क्या कह रही थी, तो इसलिए एसी की जो साफ़ सफ़ाई है, सारा कुछ उसका सही होना चाहिए। तो बहुत इजी है, कैसे क्या है आपको बताती हूँ। तो बहुत ही इजी है, आप आराम से खुद से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है कि ऊंचाई है, वैसे बेड में चढ़ के भी ये काम मैं कर सकती हूँ, अब सीख गई हूँ, करूँगी। लेकिन आप भी अपने एसी को जो है साफ़ रखें, ताकि बिल भी कम उठे और ठंडक भी अच्छे से हो। तो कैसे खोला जाए वो आपको आज बताऊँगी, बहुत यूज़फुल वीडियो है, फुल वॉच कीजिएगा। और ये छोटी छोटी चीज़ें हमें आनी चाहिए, बस मैं ये ज़रूर कहूँगी। ये फिल्टर वाला, हाँ तो ऑफ करें ऐसी नहीं, ऐसी हो जाए। नहीं नहीं पकड़िए ना, मुझे इसको हल्का सा ऊपर करिएगा ना, तो ये निकल जाएगा, ऊपर करने से निकल जाता है। तो ऑफ नहीं करना, ऐसी हो जाएगा। ऑफ करना, अच्छा एक बार, हाँ हम वीडियो ले रहे हैं, देखिए ये जो है ना, ये हाँ हाँ यहाँ पे इसे हाथ रखिएगा, अच्छा ये निकल जाएगा, देखिए हाँ ये निकल गया, अच्छा ठीक है ना। फिर इसको ऊपर कर, लगा के बता दे। अब देखिए इसका डैश, देखिए कितना ज़्यादा एकदम बंद है जाली, हाँ, तो इसको धो के देते हैं फटाफट। चलो तो ये जाली का हाल देखें, बिल्कुल बंद है, इसको वॉश करना है। देखिए कितना ज़्यादा डस्ट है, देखिए
तो यहाँ ना मैं ज़रा सा ट्राई कर रही थी एक्सपेरिमेंट झटक पटक के कि शायद इससे डस्ट हट जाए, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और आपको बिल्कुल भी ज़ोर आजमाइश नहीं करनी है इसके साथ, नेट यानी फ़िल्टर के साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, इसमें छेद हो सकते हैं, ये क्रैक हो सकता है। बस आपको ना धीरे धीरे बस इसमें पानी डालना है। और देखें पानी मैं अभी सिर्फ डाली हूँ और कितना क्लीन हो गया है इसका डस्ट। देखें डस्ट हट चुका है, मतलब बहुत हद तक पानी से ही मैंने साफ़ कर लिया। लेकिन आप चाहें तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ना इस तरफ ब्रश से आप साफ़ कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से मुझे इसे साफ़ करने में बहुत कम टाइम लगा, 7 से 8 सेकंड में लगभग ये साफ़ हो गया था। और इससे ना जो उसकी जो आवाज़ होती है ना एसी की, वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगी, कूलिंग सिस्टम भी अच्छा होगा। तो इस समर आपने अगर कूलर या एसी की सफ़ाई नहीं की है, उसकी फ़िल्टर वगैरह की, तो ज़रूर कीजिएगा। और अब सफ़ाई देखें हो चुकी है, नेट बिल्कुल क्लीन साफ़ नज़र आ रहा है। तो अब इसे लगाना कैसे है वो भी आगे आप देखेंगे। और गाइस वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज़ कमेंट तो बनता है ना, मोटिवेट कीजिए, प्यार सपोर्ट दीजिए। और चलिए अब इसे लगाना देखती हूँ। देख लीजिए लगाने का तरीका, यहाँ पे लग गया, इसको ऊपर करिए, ऊपर चला गया, इसको नीचे से लग गया। अच्छा बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ऊंचा भी है ना इसलिए बात नहीं आता है, क्योंकि डस्ट रहेगा तो पावर भी खींचता है और ठंडक भी। ठीक है, थैंक यू। तो गाइज मैं अभी एसी ऑन करके आपको आवाज़ सुनाऊंगी, मतलब बहुत फ़र्क पड़ा है नेट के सफाई के बाद, इसलिए बहुत ज़रूरी है इन छोटी चीज़ों का भी हमें ख्याल रखना। तो अब मुझे इजी होगा, यहाँ बेड से मैं आराम से ऊपर जाकर, मेरे हाथ वहाँ चले जाते हैं। और मैंने ट्राई अभी फ़ौरन किया तो आपको दिखाती हूँ, पहले ऑन करके, यानी आवाज़ में ही फ़र्क आया है और ठंडक भी थोड़ी फील होता हो रहा है कि बढ़ गई है। चलिए ऑन करती हूँ। तो बिल्कुल डन डना डन, एसी कूल कर रहा है, बहुत इजी है साफ़ करना। एक आइडिया नहीं हो रहा था कैसे खुलेगा, अब आइडिया हो गया, चूँकि वीडियो भी है इसलिए अब आसान होगा खोलना बंद करना। तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूं, गर्मियों के दिन में इसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी है ताकि पावर भी कम खींचे और कूलिंग भी अच्छा करे। माशाल्लाह ज़बरदस्त, देखिए ईजी है इसे खोलना। और तो इस तरह मैं कूलर की भी सफाई करती रहती हूं। तो इस मेन स्विच है, MCB वगैरह भी गर्म नहीं होता, हीट नहीं होगा तो जाहिर है जलेगा नहीं। तो इसलिए आपको जब भी समर आए ना तो इसकी नेट की सफाई बहुत ज़रूरी है, बस इधर और इधर हाथ लगाकर जैसे उन्होंने बताया ना उसी तरह खोलकर क्लीन करना ज़रूरी है। तो गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। और बस इसी के साथ चाहूँगी इजाज़त।